हे गाइस यार, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज अपन बनाने वाले हैं बेस्ट डिफेंस बेस, वो भी यार हमारे विलेजर्स के लिए। इसलिए क्योंकि यार हमारे जो विलेजर्स हैं उन पे हमला होने वाला है यार एंडर क्रीपर्स का। वो भी यार गाइस एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 100 क्रीपर्स का हमला होने वाला है। वो भी यार एंडर क्रीपर जो कि गाइस वियर्ड मॉब्स के अंदर आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा यार मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो सबसे पहले यार अपन बेस बनाएंगे, उनके चारों तरफ अपन डिफेंस लगाएंगे चारों तरफ, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या हम उनको मार पाते हैं 100 क्रीपर्स को या नहीं मार पाते। तो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यार इसके चारों तरफ यार एक बाउंड्री कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं, और मैं यार एक सिर्फ आगे आगे से नहीं करूंगा, पूरी की पूरी चारों तरफ से ही इसको एकदम डिफेंस बेस बना देंगे। और यहां पे आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ खोद लिया है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, उसके बाद में अपन को यार कुछ नहीं करना है, उसके बाद में अपन को चाहिए लावा, क्योंकि यार लावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लावा के अंदर यार ज़ॉम्बीज वगैरह मर जाते हैं। तो सबसे पहले यार यहां पे पूरी के पूरी मतलब कि जो भी हमने बाउंड्री बनाई है उस बाउंड्री के अंदर अपन चारों तरफ अपन लावा ये से डाल देते हैं। और ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड के अंदर दिखा रहा हूं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लास्ट तक देखने के अंदर, तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया, आप देख सकते हो। लावा बढ़ने के बाद में यार आपको चाहिए होगा एक कॉब वेब। इसका क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर जैसे अगर कोई भी आता है ज़ॉम्बी वगैरह तो यार वो फंस जाता है, और वो फंसेगा तभी यार आगे जाके लावा के अंदर गिर जाएगा। तो ये डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर एक मॉड एडिट कर रखा है, और जिसका नाम है यार आपको पता है जादू ही पिकेक्स। ये पिकेक्स नहीं है, सॉरी, ये एक्स है। तो इसके लिए क्या होता है, इससे यार अपन बहुत ही आराम से एडिट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो चारों तरफ हमने इसकी बाउंड्री बना दी, और ऊपर से कुछ इस टाइप का अपना जो डिफेंस बेस है वो लग रहा है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। और भी अभी अपन बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी अपन इसके अंदर एक और खड्डा करने वाले हैं, मतलब कि दो खड्डे करेंगे। वो क्यों, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं खड्डा कर लेता हूं जल्दी जल्दी से, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे अपन क्या करेंगे। सो गाइस यार ये हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यार हमें चाहिए यार एक कैंप फायर क्यों चाहिए। कैंप फायर से भी यार आपको पता है बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है, एक होती है रेड एक होती है कोल्ड। तो यार अपन की जो एक पहले सबसे पहले अपन ये वाली लगाने वाले हैं, और उसके बाद में और भी मस्त सा डिफेंस बेस बनाने वाले हैं। तो अभी मैं इसको भी यार जल्दी से जल्दी प्लेस करता हूं। और प्लेस करने के बाद में आप देख सकते हो मैं ऊपर से दिखा देता हूं कि हमारा ये बेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है। और यार इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना ताकि इस वीडियो पर थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाए। ये करने के बाद में गाइज अपन इसके ऊपर एक और चीज़ लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं, आपको पता है यार एक बकेट लगा सकते हैं, वो भी कौन सी वाली, ये कोल्ड वाली। इससे क्या होगा कि ये अपनी और अब मतलब कि कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह है वो इसको खींच लेगा। तो ये लगाने के बाद में अपना जो बेस है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है। अभी अपन यार इसके अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे, मतलब इसके अंदर मैंने बहुत कुछ करा है। तो इसके बाद में अपन को एक चाहिए मैग्मा ब्लॉक मैं चारों तरफ लगाने वाला हूं। मैग्मा ब्लॉक से भी यार बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है, और ये मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यार अगर हो सके कि पिलेजर वगैरह थोड़े ज्यादा आने लग जाएं तो हो सकता है कि ये मैग्मा ब्लॉक के कारण ना रुके, तो आगे से आगे हमारा जो डिफेंस बेस है वो इसको पूरा रोक ले। और ये लगाने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है, पूरा का पूरा चारों तरफ से मैंने मैग्मा ब्लॉक लगा दिए। मैग्मा ब्लॉक लगाने के बाद में मैं एक और चीज़ लगाने वाला हूँ, वो यार बहुत ही ज़्यादा मस्त लुक देखने को मिलेगा। यार ये मैं सिर्फ लुक के लिए कर रहा हूँ, और लुक्स के साथ साथ आपको यार ये भी चीज़ है कि यार वो जो डिफेंस बेस है वो भी और ही खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कुछ हमारा मैग्मा ब्लॉक लगाने के बाद में कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है। उसके ऊपर हमने कॉब वेब भी लगा दी है, और अभी अपन एक और लेयर बनाने वाले हैं। लेयर पे लेयर बनाने के बाद में एक डिफेंस टावर भी बनाएंगे, जिससे भी हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गाइस अभी देखते रहना, बहुत कुछ करने वाले हैं यार इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये वाले सारे के सारे ब्लॉक लगा देता हूं मैं, चारों तरफ ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, चारों तरफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर अपन यार आग लगा पाएंगे, वो भी कौन सी वाली, वो यार जो अब स्काई कलर की दिखती है ना वो वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ से ये वाला लगा दिया है। ये लगाने के बाद में अपन को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यार आग का बंदोबस्त करना है, और वो आपको पता ही यार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आग का बंदोबस्त कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो आग का बंदोबस्त है वो बहुत ही मस्त तरीके से हो गया है। तो मैं चारों तरफ ये वाली आग लगा देता हूँ, जिससे कि यार हो सकता है कि अपना डिफेंस भी बहुत ही प्यारा देखने को मिलेगा, मतलब लुक भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और यार हमारा जो बेस है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये हमने चारों तरफ आप देख सकते हो लगा लिए जल्दी जल्दी से, बहुत मेहनत लगी है यार इसको करने के लिए। तो ये हमने चारों तरफ लगा लिए, उसके बाद में अपन मैं अभी आपको ऊपर से उड़ के दिखा देता हूँ कि कैसा लगने वाला है। तो ये हमारा कुछ बेस है वो इतना खतरनाक देखने को मिलने वाला है, मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यार मैं सोच रहा था कि अपन और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, आप भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना यार अपन यार एक डिफेंस बेस बनाए, जिसके अंदर आपको पता है ये गोलम होता है, वो भी आइस गोलम होता है, जो कि गाइस फायर वगैरह करता है, गोले बरसाता है, वो भी ज़ॉम्बीज के ऊपर। A few moments later. Okay, तो guys हमारा defense base ready, और आप देख सकते हो हमारा जो golem है वो भी यार एकदम attack करने के लिए तैयार है, और बिल्ली पता नहीं क्यों रास्ता काट लेती है। और उसके बाद में यार मैंने कुछ try किया था, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर 2 से 3 हपने जो defense base है वो बनाए जाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा zombies को वो रोक पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यार 2 से 3 बना लिए, तो और यहाँ पे टोटल मैंने 4 बनाए, और 4 बनाने के बाद में हमारा जो defense base है वो कुछ इस टाइप से यार देखने को मिलने वाला है, और आप देख सकते हो बहुत ही फाड़ लग रहा है यार। ये होने के बाद में मैं सोच रहा था कि जो कि गाइस होने वाला है यार एक ट्रैप डोर से अपन
अपन बनाएंगे जिसके ऊपर अपन प्रेशर प्लेट वगैरह लगाएंगे, जो कि आपको पता है यार कैसे लगती है। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ, और खड्डा खोदने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही मजदूरी वाला काम लगता है। तो उसके लिए अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर्स लगा दिए खड्डा करके, और इसके अंदर मैंने लावा नहीं भरा है। लावा भरता तो यार और भी अच्छा हो जाता, बट लेकिन लावा भरने की जरूरत नहीं है, जो कि इतने से के अंदर हो जाएंगे। तो ये करने के बाद में अपन को प्रेशर प्लेट्स लगानी है, तो मैं सारे चारों तरफ प्रेशर प्लेट लगा देता हूँ। और प्रेशर प्लेट लगाने के बाद में जो हमारा बेस है वो कुछ इस टाइप से दिखने को मिलने वाला है, और आप देख सकते हो कितना खतरनाक देखने को मिलने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे तक आ पाएगा कोई, आपको क्या लगता है यार, आप कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस यार हम रेडी हो चुके हैं हमारे सभी आर्मर्स लेके, और मैंने ज्यादा इंचेंट नहीं किया आर्मर्स को, क्योंकि यार जो भी यार हमारा जो फेयर होना चाहिए ना यार बैटल, इसीलिए हमने वो किए। अभी अपन यार जाने वाले हैं इस साइड, और इस साइड अपन स्पॉन करने वाले हैं 100 क्रीपर्स को, वो भी यार एंडर क्रीपर्स को। मजा बहुत आने वाला है, तो आप लास्ट वीडियो को देखते रहना। सो गाइज यार हमारे यहाँ पे 100 क्रीपर्स रेडी हैं हम पे अटैक करने के लिए, और यार ये देख सकते हो स्विच भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में हम अपना सामान जो भी है वो ले लेते हैं, और यार बहुत ज्यादा जल्दी स्विच हो रहे हैं। और उसके बाद में यार अपन को जो क्रिएटिव मोड है उसको यार चेंज करना पड़ेगा गेम मोड को। एक सेकेंड, गेम मोड को चेंज कर देते हैं, और जिस हिसाब से ये गायब हो रहे हैं ये डायरेक्ट अंदर आ रहे हैं गाइज, तो हम सर्वाइवल मोड को करने वाले हैं। और ये हमने सर्वाइवल मोड कर दिया गाइस, और अभी हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं, क्योंकि लास्ट बार मैं मरा नहीं था, वार्डन स्पॉन वगैरह किए थे हमने। ओके अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके कहाँ पे वापस ऊपर चढ़ते हैं। ओके भागो, मेरा हार्ट जाने वाला है, और चारों तरफ अभी तक। ओके आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे भाग। ये तो ठीक है मेरे पास में शील्ड है, वरना दिक्कत हो जाती। वापस से ऊपर चढ़ते हैं, और अभी देखते हैं शांत हो गई है, और हमारे जो बेस है वो बहुत ही मस्त काम कर रहा है, आग वगैरह लग गई है, और हमारा गोलम पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। रुक जाओ सालो, तुमको मैं दूर से ही मार दूंगा। ये गया, अरे बच गया। आ जाओ नीचे आ जाओ। कहाँ पे यार ये गायब होते हैं। एक सेकंड, कहाँ पे गया। एक सेकंड, ऊपर से नहीं मार सकता मैं। वापस से अपन को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो तीर कबाड़ है वो यहाँ पे लग गया है, और क्रीपर्स यार गायब होने वाले हैं। मतलब कि यार हमारा जो डिफेंस बेस है वो बहुत सारे पीछे बहुत मस्त काम कर रहा है। खाना पड़ेगा। ओके ऊपर वाली, अरे यार ऊपर वाली हेल्थ भर गई, नीचे वाली भरनी थी। अभी बचने वाले हैं। ओके तो अपने खाना खा लिया है, और हमारे पीछे आई थिंक वो अभी भी पड़े हैं। कहाँ पे गया। एक अभी यार एक दो ही रहे हैं, एक दो ही आई थिंक। ओके ये जल गया है, अभी वो एक ही रहा है, उसको मारते हैं। एक सेकंड, साले तेरे मुंह पे मारूंगा, चल। ओके वो मर गया, एक ही रहा। इस साइड। अरे यार ये कैसे चल रहे ओ भाई, अरे भाईला। एक सेकंड, गाड़ी कहाँ पे गया। वो आवाज़ तो आ रही है यार, पर दिख नहीं रहा। ओके तो गाइज यार हमने यार 100 क्रीपर्स को मार दिया है, लगभग 100 क्रीपर्स ही थे, और अपने आप भी मर गए। मैंने तो एक दो को ही मारा है, क्योंकि इधर उधर में रह गया था, क्योंकि हमारा जो डिफेंस बेस है उससे अंदर ही नहीं आ पा रहे थे वो, तो वो जल गए थे यहाँ पे। इसी हिसाब से आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि यार डिफेंस बेस बनाने में बहुत मजा आया था। और भी अगर आप चाहोगे कि और किसी बीच पे बनाए तो आप यार कमेंट कर देना, अपन बना देंगे वो, क्योंकि इनको तो यार हमने बहुत ही चुटकियों में खत्म कर दिया था, पर लेकिन इनका जो स्पॉन था ऐसे गायब हो रहा था, फिर भी यार ये जल रहे थे इधर से, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।